वेक्टर्स पे आ जाओ। वेक्टर्स में दो चीजें आप अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? आपका मास, आपकी हाइट, किसी चीज की लेंथ, ये सब क्या होंगे? स्केलर होंगे, क्योंकि जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ कि मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ से लेके एनईडी तक, मेरे घर से लेके एनईडी तक का डिस्टेंस 11 किलोमीटर है, तो इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, एक तो 11 मैग्नीट्यूड, दूसरा मैंने आपको यूनिट बताया है किलोमीटर्स। तो ये दो चीज़ें कंबाइन होंगी तब आप स्केलर को डिफाइन कर पाओगे, अदरवाइज स्केलर को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बात होगी स्केलर, जिसमें आपको दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर। मैं लिख देता हूं इसमें क्या चाहिए आपको, एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड और उसके साथ आपको चाहिए होगा सूटेबल यूनिट। और एग्जांपल में आप कंसीडर कर लो, डिस्टेंस ले लो, इसी तरह आप मास ले लो, ये सब जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आ जाओ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें आपको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़, शुरू की दो चीज़ें तो वही हैं कि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, अच्छा उसके साथ आपको यूनिट भी चाहिए, और तीसरी चीज़ होती है कि आपको सेंस भी चाहिए। सेंस बोलो या डायरेक्शन बोलो, एक ही बात है, आपको वो भी चाहिए होती है। तो कहने का मतलब, जैसे स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड में जस्ट दो ही क्वांटिटी हैं। जैसे आप बोलोगे 60 की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 में आपने मैग्नीट्यूड बता दिया और किलोमीटर पर आवर ये आपने यूनिट बता दिया। लेकिन अगर आप डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दोगे, बोलो मैं 60 की स्पीड से जा रहा हूँ नॉर्थ की डायरेक्शन में या साउथ की डायरेक्शन में, जो भी है डायरेक्शन अगर इन्वॉल्व हो जाएगी किसी भी क्वांटिटी में, तो वो वेक्टर्स बन जाती है। जैसे डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि अगर आपके पास ये लिखा हुआ दो पॉइंट है, अब डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेट कर लो ये दो पॉइंट एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपका घर है या आपके दोस्त का घर है, तो जरूरी थोड़ी ना कि आप घरों के दरमियान से निकलते हुए उस दोस्त के पास चले जाओगे। कुछ स्ट्रीट्स बनी हुई होंगी, तो आप थोड़ा आपको टेढ़ा मेढ़ा पाथ लेके उसके बाद दोस्त के पास जाना पड़ेगा। तो एक डिस्टेंस क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बस आप जाते गए हो जाते गए हो। इसी तरह ये भी डिस्टेंस क्वांटिटी है, कोई चले गए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन होती है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला, इसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल दोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस जो कि एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई कि आपने स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना है अपने दोस्त के घर में, ये डायरेक्शन आ गई है पूरी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, जिस तरह भी आप जाना चाहो आप चले जाओ, तो इस वाले को आप क्या बोलोगे? वेक्टर बोलोगे। सबसे इजी तरीके से ये एक्सप्लेनेशन है, बाकी इसमें और बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन आसानी के लिए आप ये समझ सकते हो। तो इसमें हम एक डिस्प्लेसमेंट रख लेते हैं और एक हम वेट रख लेते हैं। अब वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी रीजन ये कि वेट जो है ये डाउनवर्ड एक्ट होता है। अगर आप किसी भी चीज़ का वेट निकालो, वेट एक बेसिकली फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करो तो मास में कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेट की अच्छा बीच में ख्याल में वो थोड़ी मीटिंग आउट हो गई होगी। अच्छा, तो मैं ये आप लोगों को बता रहा था कि डिस्प्लेसमेंट तो मैंने समझा दी है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेट की डायरेक्शन होती है, वेट की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड। ठीक है, जरूरी है कि आपका वेट अपवर्ड एक्ट कर रहा है, आपका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वेट के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, दैट्स व्हाई एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास के अंदर कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद स्केलर वेक्टर, तो फिजिक्स के थोड़े कॉन्सेप्ट हो गए। अब आप थोड़े मैथ पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 2-3 में आपने पढ़े थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें दो एक्सिस होते थे। यहाँ पे हम 3-डायमेंशनल सिस्टम यूज करेंगे कि जिसके 3 एक्सिस होंगे। तो 3 डायमेंशन में एक्सिस का नाम क्या होता है, उसको नोट कर लेते हैं। ये तो 2 एक्सिस हैं जो आप लोग चैप्टर 2-3 में पढ़ते आए हो। अब जो तीसरा एक्सिस होता है वो बाहर की तरफ होता है, जिसको हम 2 डायमेंशन बोर्ड पे इस तरह बनाते हैं। असल में ये बाहर है, इसको इस तरह आप समझ सकते हो कि ये 2 डायमेंशन हो गई और तीसरी डायमेंशन इस तरह है। ठीक है, ये डायमेंशन है। तो अगर आप देखो 3 एक्सिस हैं और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन ये होती है कि 3 एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। ये वाला लग नहीं रहा लेकिन उंगलियों में टेढ़ी है कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि थ्री डायमेंशन सिस्टम में आप इस तरीके से एक्सिस बनाते हो, ठीक है। इस वाले को आप वाई लेते हो, ये वाला एक्सिस जो है इसको आप जेड कहते हो, और इस वाले एक्सिस को आप एक्स कहते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सिस्टम है जो हम यूज़ करेंगे। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को इसी सिस्टम के तहत बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, असल चीज़ ये है कि जो स्केलर है इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। आप किसी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बी सी डी, इनसे आप स्केलर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं। वेक्टर को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हो कि आप ऊपर एरो लगा देते हो। अच्छा, वेक्टर्स को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हो कि आप नीचे एक अंडरलाइन लगा देते हो। ये वाले भी वेक्टर की एक नोटेशन है। इसी तरह वेक्टर की एक और नोटेशन भी है जो हम लिखने में इस्तेमाल नहीं करते, वो हम बुक्स में यूज़ करते हैं जब प्रिंट आप करते हो। और वही क्या, बोल्ड कर देते हो। लेट कर लो मैं ए लिख रहा हूँ, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, तो ये भी वेक्टर की एक नोटेशन होती है। लेकिन ये हम लिखने में यूज़ नहीं करते, हम नॉर्मली जब आप बुक्स में यूज़ करते हैं कि जहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट आउट अगर आपने करना है। वरना ये दो नोटेशन जो है ये मशहूर है। आप लोगों के लेवल पे ये वाली है, लेकिन अगर आप आगे जाओगे तो ये वाली ज़्यादा नोटेशन यूज़ हो रही होती है, अंडरलाइन वाली, ठीक है। तो ये वेक्टर की नोटेशन हो गई है। उसके बाद वेक्टर्स की कुछ टाइप्स हैं यार, वो आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। सबसे पहली टाइप होती है, ये आप लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आ चुके हो। सबसे पहला वेक्टर आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है, अच्छा मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ है। जैसे अगर मैं कोई वेक्टर बनाऊँ ना, तो वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होता है, वेक्टर का एक टर्मिनल पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट जिस पे आपका वेक्टर एंड हो गया है। तो ये वेक्टर्स कैसे बनता है कि उसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है, आप इनको ज्वाइन करते हो तो आपके पास वेक्टर आ जाता है। तो वेक्टर में असल चीज़ क्या है कि आपके पास एक तो डायरेक्शन है जो आपको नज़र आ रही है कि वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दूसरा इस वेक्टर की लेंथ है, ये पूरी लेंथ है इस वेक्टर की, जिसको आप कहते हो मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि वेक्टर की लेंथ कितनी है, वो मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन तो आपने देख ली कि एरो हेड से आप उसकी डायरेक्शन बता सकते हो। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है कि जब आप जिसकी लेंथ निकालो, जिसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालो, तो वो वन के बराबर होता है। उस वेक्टर को आप क्या बोलोगे, यूनिट वेक्टर। तो एक यूनिट वेक्टर डिफरेंट वेक्टर के आप निकाल सकते हो। जैसे कोई भी एक वेक्टर मौजूद है उसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये वेक्टर ए है, इसका अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर को आप हैट से शो करते हो। इसको हैट कह लो या कैप कह लो, जो मर्जी है कह लो, यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो आप, वेक्टर को डिवाइड करते हो उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये है किसी भी रैंडम वेक्टर का अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसके भी यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं। तो जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है ना, उसको आप आई लेते हो। इसी तरह जो वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसको आप जे लेते हो, और जो जेड की डायरेक्शन में है उसको आप के लेते हो। तो ये जो आई जे के है ना, ये स्पेसिफिकली एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में और जेड की डायरेक्शन में। और अगर आप कोई और वेक्टर निकाल रहे हो किसी और वेक्टर का, तो वो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर आप ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, तो वो ए की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और उसके निकालने का फॉर्मूला क्या है कि उस वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये आई जो है, जैसे वेक्टर को आप कंपोनेंट्स में लिख सकते हो ना, किसी भी वेक्टर को आप आई जे के की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे वेक्टर ए है, उसको आप लिख सकते हो ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। तो वेक्टर के तीन कंपोनेंट हैं, आई जे के। एक कंपोनेंट एक्स की, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, एक वाई कंपोनेंट हो जाएगा और एक जेड कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने एक वेक्टर को लिखा है ना इस फॉर्म में, ये फॉर्म आपने देखी भी होगी, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इससे। इसी तरह आप आई जे के को भी लिख सकते हो। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हो और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। मतलब आप इसको इस तरह लिख दो ए वन ए टू ए थ्री। वैक्टर को आप इस तरह भी लिख सकते हो और वैक्टर को आप इस तरह ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हो, दोनों तरीके हैं इसके लिखने के। इसी तरह आप जो आई जे के है उसको भी इस तरह लिख सकते हो। आई जो है उसको आप इस तरह लिखते हो वन जीरो जीरो। अच्छा, दो कंपोनेंट जीरो क्यों है,
इसकी एग्जाम्पल सिंपल सी ये है कि जब आपके पास चैप्टर नंबर 2 और 3 में आपने देखा होगा कि जब आप x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता था उसकी y वैल्यू 0 होती थी, तो ये वही से कॉन्सेप्ट है कि जब i जो है वो x की डायरेक्शन में है तो उसका j और k कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, 0 ले लोगे आप। इसी तरह अगर आप j कंपोनेंट को देखो तो j कंपोनेंट y की डायरेक्शन में होता है, उसका x पार्ट भी 0 होगा, z पार्ट भी 0 हो जाएगा। और अगर आप k की बात करो तो क्या होता है, 0, 0, 1 कि उसमें x और y कंपोनेंट 0 होगा, z कंपोनेंट उसका 1 होगा, इसलिए क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये कुछ मैंने बेसिक बात आपको वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, उनके मैग्नीट्यूड से बता दी। अच्छा, अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, ये भी आपको पता ही होगा कि आई का कंपोनेंट स्क्वायर करो, जे कंपोनेंट उसका स्क्वायर करो और के कंपोनेंट उसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब ये इतने इजी हैं, मैं कुछ कुछ एग्जांपल दे दूंगा लेकिन ज़्यादातर आपको इनके कॉन्सेप्ट आते ही हैं तो मुझे इतनी एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास एक वेक्टर लिखा हुआ है 2i + 3j + 4k, मैं बोलूँ आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो सिंपल आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आंसर हो जाएगा 29। हाँ, तो 29 क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर आप इस पूरे वेक्टर को √29 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड √29, आपके पास क्या आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर से रिलेटेड मैंने सब बातें बता दी हैं आपको। इसी तरह एक वेक्टर होता है नल वेक्टर, नल वेक्टर ऐसा होता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है, उसकी आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज लाइक अ पॉइंट कि उसका मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन आप उसकी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नल वेक्टर कहते हो या 0 वेक्टर कह देते हो आप इसको। अच्छा, इसके अलावा और कोई वेक्टर है, अच्छा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एक होता है वेक्टर का नेगेटिव, जैसे मेरे पास ए वेक्टर गिवन था ना, लेट कर लो मेरे पास ये वेक्टर ए है, अगर मुझे इसका नेगेटिव ए वेक्टर बनाना है तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, बस मैं डायरेक्शन को पूरा उल्टा कर दूंगा, 180 डिग्री अपोजिट कर दूंगा। अभी ये समझ लो कि पहले इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड ये था और डायरेक्शन ये थी, मैग्नीट्यूड अभी भी वही है, बस आपने डायरेक्शन चेंज कर दी है, बस इसको आप बोल दोगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अच्छा जी, अच्छा फिर एक और वेक्टर होता है जिसको आप कहते हो पोजिशन वेक्टर। अच्छा, वेक्टर निकालने का फॉर्मूला भी होता है एक, अगर आपको जैसे मैंने बताया था ना वेक्टर के 2 पॉइंट्स होते हैं, तो अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएं और उससे बोला जाए कि वेक्टर निकालो, जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको एक पॉइंट दिया जाए P1, 1, 2, 3 कर लेते हैं, और एक पॉइंट है P2, -1, -2, -3, और आपको बोला जाए कि आप वेक्टर निकालो P1, P2, ये वाला वेक्टर निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है जिसमें से पहला पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट टर्मिनल पॉइंट है, तो आप वेक्टर कैसे निकालते हो, आप टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हो। टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे क्या है, -1, -2, -3, इसको आप माइनस कर दो इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट है 1, 2, 3। क्या मैंने बात बोली कि जो टर्मिनल पॉइंट है या इजी लैंग्वेज जो दूसरा वाला पॉइंट है माइनस पहला वाला पॉइंट, तो आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे आएगा, जो सेम कंपोनेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करो, -1, -1, ये हो जाएगा -2। इसी तरह इस -2 को इस वाले 2 से सब्ट्रैक्ट करो, तो -2, -2, -4 हो जाएगा। इसी तरह -3, -3, ये -6 हो जाएगा। तो जो सेम कंपोनेंट है उनको आपस में आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप इस वेक्टर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो या वेक्टर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, -2i, -4j, -6k, दोनों तरीके से आप इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होंगे, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपने वेक्टर किस तरह मालूम करना है, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, ये सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अच्छा, जो एक ये वेक्टर निकालने का तरीका है ना, अब अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास एक पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप पोजीशन वेक्टर कहते हो। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, यह आपके पास भाई सिस्टम है पूरा,
कंसीडर कर लो भाई, ये जो है वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कंसीडर कर लो इनको, ठीक है। अब अगर आपका कोई भी पॉइंट ना कंसीडर करते हैं, कोई भी पॉइंट यहां पे है, इसको कंसीडर नहीं करना जो बता रहा हूं उसको देखो, बिल्कुल यहां पे कि दरमियान में पॉइंट है, ठीक है, ये समझ लो ये दरमियान में जगह है, इसके ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है। अगर आप इस पॉइंट को, ये जो ओरिजिन है ना, इससे ड्रॉ कर दो पूरा, लेट कर लो पॉइंट इस जगह पे एक, ठीक है, ये पॉइंट मौजूद है, इसको आप ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, तो इस टाइप की चीज बनेगी ये पूरा, ठीक है। लेट कर लो एक पॉइंट था जिसको आपने क्या कर दिया, ओरिजिन से मिला दिया। तो पोजिशन वैक्टर ऐसा वैक्टर होता है कि जिसका टर्मिनल पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल पॉइंट कहां पे होगा, ओरिजिन के ऊपर होगा। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन के ऊपर हो, उस वाले वेक्टर को आप क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, तो ये चीज अभी आपको अगले कॉन्सेप्ट में भी काम आएगी, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट पोजीशन वेक्टर समझा रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है कि जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन के ऊपर होता है और टर्मिनल पॉइंट कहीं पे मौजूद होगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको ये बताया कि जो पहला पॉइंट है वो ओरिजिन होगा और दूसरा पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो उसके निकालने का तरीका क्या है, आपको एग्जाम में ना कोई भी एक पॉइंट दे देंगे वो, लेट कर लो उन्होंने पॉइंट दे दिया P, ये वाला, और बोला कि इस पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर निकालो। कैसे निकालोगे, आपको पता है पोजीशन वेक्टर होता है OP, मतलब पी माइनस ओ, जैसे आपने देखा था ना P1 P2 को कैसे आपने निकाला था, P2 माइनस P1 करके, जो दूसरा पॉइंट है माइनस पहला वाला पॉइंट। तो वही काम करो, आपको पता है पोजीशन वेक्टर ओपी होता है, तो ये किसके बराबर होगा, पी माइनस ओ के बराबर होगा। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं, आप माइनस कर दो तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, पी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसलिए जब भी आपके पास एक पॉइंट गिवन है और अब आपको बोला जाए कि आप पोजीशन वेक्टर निकालो, तो वही पॉइंट पोजीशन वेक्टर है, मतलब आप उस पॉइंट को इस तरह लिख दो, आई प्लस 2j प्लस 3k, बस यही पोजीशन वेक्टर है ओपी। इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिन से आप अगर माइनस कर दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ओरिजिन 0 0 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपके पास पॉइंट गिवन है, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसी पॉइंट को आप इस फॉर्म में लिख दो, तो बस आपका पोजीशन वेक्टर है वो, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरह पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं, जैसे एक वेक्टर मैंने, ऐसे वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, जैसे इनको भी आप पैरेलल बोलते हो, ये भी पैरेलल बोल सकते हो आप, अगर ये एक लाइन के ऊपर है तब भी इनको आप पैरेलल बोल सकते हो, अगर एक वेक्टर इस तरह है दूसरा वेक्टर इस तरह है अभी भी आप इसको पैरेलल बोल सकते हो, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है अभी भी आप इनको पैरेलल बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन के अंदर है या बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, दोनों केसेस में आप इनको पैरेलल वेक्टर ही बोलोगे।